हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश रंजन वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जो कि लीन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। उसका एक टूल भी होता है जिसको हम लोग 3M बोलते हैं। एम का मतलब 3M में तो और भी आते हैं, लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं आज 3M में मुड्डा, मुर्रा और मुर्री के बारे में। ये क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना और समझना क्या होता है इन तीनों में। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, मुड्डा, मुर्री और मुर्रा लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक टूल है जिसको वेस्ट भी बोलते हैं हम लोग, जिसको ताहिची ओहाना जो कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के फादर भी जाने जाते हैं, जिन्होंने इस तीन कैटेगरी ऑफ वेस्ट को डिफाइन किया था, जिसमें हम लोग मुड्डा को वेस्ट बोलते हैं, मुर्रा को अनइवेननेस बोलते हैं और मुर्री को ओवरबर्डन बोलते हैं। मुड्डा को बहुत लोग जानते होंगे वेस्ट के नाम से, लेकिन मुर्रा और मुर्री को भी जानना जरूरी है। ये जो तीन होते हैं मुड्डा, मुर्री और मुर्रा, इसको लीन मैन्युफैक्चरिंग का इनेमी भी कहते हैं, दुश्मन बोलते हैं इसको। यह प्रोडक्शन प्रोसेस और ऑफिस वर्क दोनों में भी पाया जाता है। लीन का एक गोल भी है जिसमें से कहा गया है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से इन तीनों इनेमी को हटाना, ये लीन का एक गोल है। इन तीनों को कम्प्लीटली कभी भी प्रोसेस से रिमूव नहीं किया जा सकता। दोस्तों, चलिए अब हम इन तीनों को वन बाई वन करके समझते हैं। मुड्डा को वेस्ट भी बोला जाता है। दोस्तों, मुड्डा उन प्रोसेस या एक्टिविटी को रेफर करता है जो वैल्यू एडेड नहीं करते, जो इस तरह के वेस्ट आपके प्रोसेस या आपके बिजनेस या आपके वर्कर के लिए फायदेमंद नहीं होते, ये किसी भी तरह से मदद नहीं करते, ये कॉस्ट को भी रिड्यूस करते हैं और आपके प्रोसेस को पूरा करने में ज़्यादा समय लेते हैं। मुड्डा को टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में दो टाइप से डिफाइन किया गया है, चलिए उन दोनों को समझते हैं। टाइप वन, इसमें प्रोसेस के नॉन वैल्यू एक्टिविटीज शामिल है जो कि कस्टमर के लिए जरूरी है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इंस्पेक्शन या सेफ्टी टेस्टिंग, ये डायरेक्टली वैल्यू एडेड नहीं करते हैं फाइनल प्रोडक्ट के लिए, लेकिन यह इसलिए जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कस्टमर को अच्छा मिले। टाइप टू में भी प्रोसेस के नॉन वैल्यू एक्टिविटीज शामिल है जिसको कि कस्टमर को जरूरत नहीं है, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। इनमें 7 तरह के वेस्ट शामिल हैं जिसको हम लोग 7 वेस्ट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। तो जो 7 वेस्ट हैं वो इस प्रकार हैं: ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग और वेस्ट। तो ये हैं 7 वेस्ट जिनके ऊपर मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। इसमें बस मैं आप लोगों को इतना ही समझाऊंगा। अब चलते हैं जो दूसरा है मुर्रा, उसके बारे में समझते हैं। मुर्रा को हम लोग अनइवेननेस, नॉन यूनिफॉर्मिटी, इरेगुलरिटी भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में असमानता, असीमितता भी बोलते हैं। मुड्डा के 7 वेस्ट हैं, उनमें से किसी का भी कारण हो सकता है। दूसरे शब्द में बोले तो मुर्रा लीड और ड्राइव्स करता है मुड्डा को। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने देखा होगा कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे स्टेशनों से होकर गुजरता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो स्टेशन होते हैं उनपे काम किस तरीके से होता है। आपने देखा होगा कि इन सब स्टेशनों में एक या एक से ज्यादा स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे काम का वर्कलोड ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा लोड होता है, प्रेशर होता है काम का, वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट होते हैं, वेटिंग करना पड़ता है उसको, ओवरबर्डन हो जाते हैं, ओवर प्रोसेसिंग होता है वहाँ पे। तो ये है मुर्रा का एग्जांपल। लीन प्रोडक्शन सिस्टम का एक गोल भी है जिसमें हर स्टेशन, हर प्रोसेस को लेवलिंग किया जाता है ताकि वहाँ पे अनइवेननेस ना हो। मुर्रा को अवॉइड किया जा सकता है जस्ट इन टाइम, कानबान सिस्टम और पुल बेस स्ट्रेटेजी के द्वारा।
अब हम लोग बात करते हैं मुर्री के बारे में। मुर्री को हम लोग ओवरबर्डन, अनएक्सेसिवनेस, इम्पॉसिबल भी बोलते हैं। मुर्री का परिणाम मुर्रा से हो सकता है। कुछ प्रोसेस में ऐसा होता है कि आप एक्सेस रिमूवल कर देते हैं मुड्डा का, वेस्ट का, कि जो वेस्ट है, जो सेवन वेस्ट है, उनमें से थोड़ा थोड़ा कटौती करते हैं, लेकिन वो बाद में मुर्री का एग्जाम्पल बन जाता है। वो कैसे? क्योंकि आप किसी भी प्रोसेस या स्टेशन से, वहां से जो उसकी टाइमिंग है या जो सेवन वेस्ट है, उनको आप लोग कम करते हैं, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि ये ओवरबर्डन हो गया, वहां पे ज्यादा काम हो गए उसके लिए। तो ये इसका एग्जाम्पल है। मुर्री तब भी मौजूद होता है जब किसी मशीन या ऑपरेटर की क्षमता जो होती है 100% से ज्यादा आप उसका यूज करते हैं, तो वहां पे भी मुर्री का एग्जाम्पल होता है। क्योंकि ज्यादा आप 100% से ज्यादा काम लेंगे उससे, तो वो हो सकता है एक दो दिन काम करे, वर्कर जो होते हैं वो मतलब थक जाते हैं, छुट्टी मार लेंगे, इस तरीके का बीमार हो जाएगा, वो हो सकता है। आप मशीन से 100% से ज्यादा काम लेंगे तो मशीन में ब्रेक डाउन आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इस तरीके से ये मुर्री का एग्जाम्पल है। स्टैंडर्ड तरीके से काम करने से मुर्री को अवॉइड किया जा सकता है। मुर्री आप कोई प्रोसेस को अपने लेबलिंग में करें, हर स्टेशन पे बराबर वर्कलोड दें, ताकि आप मुर्री को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है मुड्डा, मुर्रा और मुर्री के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।